नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुणाल लखवानी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भूमित्र वास्तु पर। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आज का सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है। आज हम बात उनके बारे में करने जा रहे हैं जिनका सपोर्ट तो हर किसी को चाहिए। हर कोई यही सोचता है कि अगर उनका साथ सहकार हमें मिल जाए तो बड़ा मज़ा ही आ जाए, लेकिन अगर किसी कोई पंडित या कोई ज्योतिषाचार्य उनको ये बताता है कि बधाई हो, वो देव आपकी कुंडली में रहने वाले हैं कुछ समय के लिए, वो आप ही के साथ रहने वाले हैं या आपके ऊपर उनकी दृष्टि रहने वाली है, तो घबरा जाते हैं लोग, टेंशन आ जाती है उनको। वो सोचते हैं कि बाप रे, अब पता नहीं क्या होगा। सहकार उनका चाहिए, साथ उनका चाहिए, लेकिन अपने ऊपर नज़र उनकी नहीं रहने देना चाहते, अपने साथ नहीं रखना चाहते उनको। इसलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये वो हैं जो घर में, आपके घर में आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं। जीवन की हर अच्छाई बुराई के बारे में आप उन्हें वाकिफ कराते हैं। जीवन की हर कला, हर नीति, हर रणनीति आप उन्हें सिखाते हैं। जीवन की सारी अच्छाइयां बुराइयां, समाज में जितनी भी अच्छाइयां बुराइयां हैं, सबसे आप उनको वाकिफ कराते हैं। लेकिन जब भी आप कुछ गलत करते हैं तो दंड भी वही आपको देते हैं। यहाँ फ्रेंड्स, अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आपको सीधे सीधे बताते हैं कि आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री शनि देव के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भगवान श्री शनि देव, उनसे जुड़े हुए वास्तु विज्ञान और उनके बाकी की डिटेल्स के बारे में रहेगा कि उनका आपके जीवन पे क्या असर रहता है, और सारी चर्चा जो होगी आज शनिदेव के ऊपर ही होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अपने गुरु जी श्री हंसराज वतवानी जी और आचार्य श्री सागर चुग जी का नाम लेकर। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो शनिदेव है वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ रोल प्ले करते हैं। शनिदेव जो है वो आपके सर से लेकर पैर तक का पूरा जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उनको रूल शनिदेव करते हैं। जो आपका बोन्स का स्ट्रक्चर है वो शनिदेव के अंडर में आता है। जो आपके जॉइंट्स हैं वो शनिदेव के अंडर में आते हैं। जो आपका स्किन कलर है, स्किन टेक्सचर है, आपके बाल हैं, आपके नेल्स हैं, आपके टीथ हैं, ये सब का सब शनिदेव के अंडर में ही आते हैं। शनिदेव ही आपकी एज भी डिसाइड करते हैं कि आपकी एज कितनी रहेगी, इसलिए शनिदेव को यमराज का भाई भी कहा जाता है। आइए और जानते हैं, शनिदेव जो है वो न्याय के देवता कहे जाते हैं, शनिदेव कर्म के देवता भी कहे जाते हैं। इसलिए शनिदेव ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या क्या अचीव होगा, आपकी क्या क्या प्राप्तियां होगी, वो सब भी शनिदेव ही देखते हैं। इसलिए शनिदेव के बारे में आगे और जानते हैं कि शनिदेव क्या क्या कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सूर्य जैसे पिता ने आपको नीति रणनीति ये सब कुछ सिखा दिया, समाज शास्त्र कैसे काम करना है सब कुछ सिखा दिया। चंद्रमा जैसी माँ ने आपको फीलिंग्स, इमोशंस, भाव ये सब कूट कूट के भर दिया। बुद्ध जैसे छोटे भाई ने आपको बात करने का तरीका, वे ऑफ स्पीच, वॉइस और ये सब, आपका आवाज़ वगैरह आपको वो सब बुद्ध ने आपको सिखा दी। उसके बाद शुक्र ने आपको लुक्स दे दिया, आपकी पर्सनालिटी बना दी, आपका लग्जरी दे दी, सब कुछ दे दिया। मंगल ने आपको कर्म करने का एक जज्बा दे दिया। उसके बाद राहु ने आपको दिमाग दे दिया, सोचने की शक्ति दे दी। गुरु ने आपको नॉलेज दे दिया, हर तरीके का ज्ञान दे दिया। ये सब होने के बाद भी अगर आपको मेहनत करने की आदत नहीं है तो शनि भी जो है आपको प्राप्तियों में सहयोग नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, शनि आपके सामने आपके घर में ही मौजूद रहते हैं। यस फ्रेंड्स, घर में जो आपकी संतान हैं, जो आपके बच्चे हैं, वही शनि का स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सूर्य जो है वो पिता हैं तो पुत्र जो है वो शनि हैं। इसलिए ही वक्त आने पर औलादें उनके पुत्र ही तय करते हैं कि घर में कितनी सुख समृद्धि रहेगी वक्त के हिसाब से, और क्योंकि शनि को जो है न्याय का देवता भी कहा गया है। कई बार आपने बड़े बूढ़ों को, कुछ बूढ़ी औरतों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि इनसे तो इनकी औलादें ही निपटेंगी, इसलिए इनडायरेक्टली वो यही कह रही होती हैं कि शनिदेव ही इनके साथ न्याय करेंगे। अगर हम घर के बाहर समाज में भी नज़र डालें तो हमारे घर के अंदर या जो हमारे स्टाफ में लेबर लोग काम कर रहे होते हैं वो सब शनिदेव को ही रिप्रेजेंट करते हैं।
जो हमारे आसपास, घर के आसपास, घर के बाहर, हमारे कॉम्प्लेक्स में, मार्केट में जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, वो भी शनिदेव को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे किसान भाई हैं, वो भी शनिदेव को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो लीगल डिपार्टमेंट है, वो पूरा शनिदेव के ही अंडर में आता है। जो हमारे पास लेबर हैं, जितने भी हाथ मजदूर काम, हाथ से जो भी काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं, वो सारे शनिदेव के ही अंडर में आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप खूब मेहनत करते हैं, आप जो भी काम करते हैं इतनी मेहनत से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रही होती है, वो अचीवमेंट्स नहीं मिल रही होती, वो प्राप्तियाँ नहीं हो रही होती हैं, और आप जब भी कुछ काम करने जा रहे होते हैं, आपको अलग अलग तरीके से कोई ना कोई संकट बीच में आ जाते हैं, कोई ना कोई अटकें बीच में आती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी शनि के असर से ही पीड़ित हों, या वास्तु के हिसाब से जो शनि की दिशाएं आ रही हों, वहाँ पे आपका कोई ना कोई दोष हो। तो आइए जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो हमें उसे कैसे चेक करना है और हमें उसे कैसे ट्रीट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं एज पर वास्तु हम क्या कर सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार प्राप्तियों की, अचीवमेंट्स की जो डायरेक्शन बताई गई है, वो है वेस्ट की डायरेक्शन, यानी पश्चिम की दिशा। और वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो शनिदेव की भी डायरेक्शन है, इसलिए हम सबसे पहले ट्रीट ही उस दिशा को करेंगे, वेस्ट की दिशा को करेंगे। वहाँ हम क्या क्या है जो चेक कर सकते हैं। वहाँ सबसे पहले तो कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई ड्रेनेज लाइन नहीं होनी चाहिए, वहाँ मैन होल नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई भी सीवरेज लाइन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हम क्या क्या देख सकते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन को वर्जित कहा गया है। वहाँ किसी भी तरीके का कोई भी प्लांट, पौधा, पेड़, इन सबको वहाँ पे वर्जित माना गया है। उनसे रिलेटेड इवन उसके कलर, जो ग्रीन कलर, ब्राउन कलर हैं, उनको भी वहाँ पे वर्जित माना गया है। उसके अलावा वहाँ पे जो अग्नि से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी फायर से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे उनके कलर्स ही क्यों नहीं हो, उन्हें भी वहाँ पे वर्जित बताया गया है एज़ पर वास्तु। तो कोशिश कीजिए वहाँ से वो सब चीज़ें हटाइए, वेस्ट की जो दिशा है उसे निर्मल कीजिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपके आसपास लेबर काम कर रही हैं, खास तौर पे उनका ख्याल रखिए, क्योंकि उन्हें शनि का स्वरूप बताया गया है, शनि का जीता जागता स्वरूप उनको बताया गया है। अब फ्रेंड्स, वो शनि का स्वरूप है, इसलिए हो सकता है कि वो आपको कुछ परेशान भी कर रही हों, लेकिन आप उनका ख्याल ही रखिए। आप उनका जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, शनिदेव उतना आपका ख्याल रखेंगे और आपके हर कार्य में आपकी मदद करेंगे। आप कोशिश करिए कि उन्हें किसी तरीके की लेबर जो हैं आपके, उनके किसी तरीके की कमी ना हो पाए। आप उनका ख्याल रखिए, शनिदेव आपका हमेशा ख्याल रखेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।